हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट, और आप लोग देखिए डी ट्रांसपोर्टर्स। और आज फिर हम आपको हिमाचल टूर्स के बारे में एक और नया मीन्स पैकेज बताएंगे, नया क्या क्या घूम सकते हो, कितने दिन का प्लान कर सकते हो, क्योंकि अब सीजन शुरू हो चुका है, काफी इंक्वायरीज फिर से शुरू हो चुकी हैं, और अभी गर्मियों में अप्रैल मई जून में काफी हाईएस्ट डिमांड रहती है। सो प्लीज बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपको आज अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और प्लीज ब्लॉग को देखते रहिए। देखो, आज हम जो बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं हम लोग मीन्स हिमाचल टूर के बारे में, कंप्लीट हिमाचल के बारे में बात करेंगे। काफी लोग हमें फोन करते हैं, गुजरात, बॉम्बे, अहमदाबाद, कर्नाटका, बैंगलोर, पूरे साउथ दिल्ली से, उनका एक ही कंसर्न होता है कि भैया पूरा हिमाचल करना है। तो देखो, पूरा हिमाचल ना दो सेक्शंस में आता है। पहला सेक्शन जो है वो नॉर्मल टूरिस्ट लोकेशंस हैं, जैसे आपका हो गया शिमला, देन हो गया कसौल, मणिकरण, कुल्लू, मनाली, देन धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, खजियार, चंबा कर सकते हो, या फिर उसके बाद कुछ लोग अमृतसर करके दिल्ली वापस आते हैं। चंडीगढ़ से पिकअप करते हो तो चंडीगढ़ से सेम यही है, चंडीगढ़ से शिमला, देन कसौल, मनाली, मनाली वाला पूरा सेक्शन, उसके बाद धर्मशाला, डलहौजी, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, देन डलहौजी, खजियार, अमृतसर, चंडीगढ़ ड्रॉप। पिकअप अंबाला से भी कर सकते हो, ड्रॉप अंबाला, चंडीगढ़ से पिकअप चंडीगढ़ ड्रॉप, दिल्ली से पिकअप दिल्ली ड्रॉप, या दिल्ली से पिकअप लास्ट में चंडीगढ़ ड्रॉप, दिल्ली से पिकअप अमृतसर ड्रॉप, मीन्स कहीं से भी लोकेशन से दिल्ली अंबाला चंडीगढ़ अमृतसर कहीं से पिकअप कहीं से ड्रॉप, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आप कहीं से भी आपसे टैक्सी सर्विस ले सकते हो। ये होगा एक हिमाचल का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पैकेज में आता है। दूसरा एक और हिमाचल का जो सेक्शन है जो काजा स्पीति वाले रूट में आता है, उसमें क्या क्या कवर होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भैया काजा स्पीति का टूर करना है, उनको आइडिया नहीं होता, तो ये उनके लिए क्लैरिटी है। उसमें हम करते हैं जैसे दिल्ली से या चंडीगढ़ या अंबाला से कहीं से पिकअप ले लो शिमला, शिमला के बाद आगे आएगा रामपुर या सराहन हो गया, उसके बाद आएगा आपका कालपा, सांगला, चिटकुल, उसके बाद आएगा आपका नाको, उसके बाद आएगा ताबो, देन आएगा काजा, काजा में लोकल साइट सींग, उसके बाद अगर काजा से मनाली का रूट खुला है तो काजा से चंद्रताल लेक, देन रोहतांग पास, अटल टनल, और आप नीचे आगे मनाली, मनाली के बाद कसौल, मणिकरण करके चंडीगढ़ या फिर अम्बाला दिल्ली ड्रॉप। तो ये एक रूट हो गया। और अगर काजा से मनाली वाला रूट सेक्शन बंद है, चंद्रताल वाला लेक रास्ता बंद है, क्योंकि उसमें बहुत पानी फ्लड रहता है, तो वो अप्रैल के बाद मई या मई के बाद ही खुलता है, अगर वो सेक्शन बंद है तो फिर काजा से बैक मीन्स आप फिर से ताबो, नाको, फिर देन शिमला, शिमला के बाद चंडीगढ़, अम्बाला, दिल्ली, जहां से हो। तो ये दो सेक्शन है हिमाचल को टूर करने के लिए। ये दोनों सेक्शंस एक बार में कवर नहीं हो पाते हैं, इनके लिए अलग से ही प्लान होता है, क्योंकि जो काजा स्पीति वाला जो सेक्शन बताया शिमला का, इसमें कम से कम 7 to 8 days आपको चाहिए चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी आप जाओ। और आप सोच रहे हो कि मेरे 4 या 5 दिन है, तो ये सेक्शन करना कोई मतलब पैसे वेस्ट वाली बात है, कोई मजा नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको 7 to 8 days चाहिए ये वाला सेक्शन पूरा करने के लिए। दूसरा जो ये हिमाचल वाला सेक्शन बताया आपको मैंने, जिसमें नॉर्मल टूरिस्ट लोकेशन जो आप करते हैं जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला वाला, उसके लिए भी आपको 8 to 9 days मिनिमम चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी घूमने का फायदा है, नहीं तो अन्यथा आपके पैसे वेस्ट होंगे और आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो अब देखो, हम कॉस्ट की बात करते हैं। रूट तो मैंने आपको बता दिया, रूट ऐसे ही फॉलो करना है। सपोज कर लो, अगर आप सपोज अमृतसर से स्टार्ट करते हो कि डायरेक्ट ट्रेन या आप अमृतसर आ गए, तो उसमें क्या आपने अमृतसर घूम लिया, अमृतसर के बाद आप पहले जाओगे डलहौजी, अगर अगर ये कवर करने हैं तो, नहीं तो आप स्किप करके नेक्स्ट स्पॉट पे भी जा सकते हो। जैसे जो स्टार्टिंग है वो यही अमृतसर से डलहौजी, डलहौजी में खजियार, चंबा वाला सेक्शन, उसके बाद वहां से धर्मशाला, मैक्लोडगंज, उसके बाद धर्मशाला से फिर गाड़ी आगे जाएगी मनाली की साइड। बीच में क्या क्या आता है, धर्मशाला के बाद नेक्स्ट स्पॉट आता है पालमपुर, पालमपुर में टी गार्डन और ये सब आप देख सकते हो। पालमपुर के बाद नेक्स्ट स्पॉट आता है बैजनाथ, बैजनाथ में बैजनाथ टेम्पल है शिवजी का, बहुत पुराना टेम्पल है, पांडवों के टाइम का है, वो आप लोग देख सकते हो। बैजनाथ के बाद नेक्स्ट स्पॉट आता है बीड बिलिंग, जहां पे पैराग्लाइडिंग ये सब आप लोग कर सकते हो, स्टे करना है स्टे भी कर सकते हो बीड बिलिंग में। उसके बाद बीड बिलिंग के बाद सीधा मनाली पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये आपको रूट बता दिया मनाली का। मनाली में 2-3 दिन आपके साइट सींग, जिसमें मनाली में हम लोग हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, सोलांग वैली कवर करते हैं। सोलांग के बाद ऊपर अटल टनल, शिशु, कोक्सर, एक्स्ट्रा पैसे देके हम लोगों को लेके जाते हैं। और अगर आपके टाइम पे रोहतांग पास ओपन हो गया तो मनाली के ऊपर रोहतांग पास भी आप गाड़ी लेके जा सकते हो, जिसका एक्स्ट्रा चार्जिंग लगती है। ये हो गया एक रूट। उसके बाद मनाली के बाद नीचे रिटर्न आ जाओगे तो कुल्लू में तो राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग होती है, देन कसौल, मणिकरण, उसके बाद डायरेक्ट वहां से शिमला, शिमला के बाद कुफरी, चैल, नारकंडा, ये सब आप करके शिमला के बाद डायरेक्ट चंडीगढ़ आ गए, या अमृतसर जाना अमृतसर चले गए, या चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ घूमना तो चंडीगढ़ घूम लो, या फिर चंडीगढ़ के बाद आप अंबाला और दिल्ली आ सकते हो। ये हो गया अमृतसर का रूट। अब सपोज कर लो आप लोग चंडीगढ़ या अंबाला से आ रहे हो या दिल्ली से आ रहे हो, और आपको लास्ट अमृतसर ड्रॉप है या दिल्ली ही ड्रॉप है, तो रूट वही है शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला से पहले डायरेक्ट शिमला,
शिमला में साइट सीइंग के बाद कसौल मणिकरण, या कसौल मणिकरण आप मनाली के बाद भी कर सकते हो, कसौल मणिकरण देन कुल्लू मनाली, मनाली वाला सारा पार्ट, उसके बाद धर्मशाला डलहौजी, उसके बाद अमृतसर करना तो अमृतसर, बाघा बॉर्डर गोल्डन टेम्पल, और लास्ट में अमृतसर ड्रॉप ले लो या दिल्ली आ जाओ, मीन कॉस्टिंग हो जाती है, पर ये रूट ऐसे ही बनेगा। देखो अब इसमें कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्टिंग क्या क्या रहती है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। मान लो अगर आप दो या तीन या चार लोग हो तो आप एक डिजायर जैसी गाड़ी ले जा लेके जा सकते हो, और डिजायर गाड़ी जो है वो मतलब सेडान में हम लोग उसको काउंट करते हैं, जैसे डिजायर होगी, होंडा में हुंडई एक्सेंट, कोई भी आप गाड़ी लेके जा सकते हो, ईटियोस भी लेके जा सकते हो, मीन एक्स्ट्रा थोड़ा सा रेट हाई होता है। हम लोग आठ दिन की बात करते हैं कि आपका एट डेज का प्लान है, जिसमें आपने यही पूरा हिमाचल वाला जो टूरिस्ट लोकेशन बताया, धर्मशाला डलहौजी मनाली, ये सब कवर करना है। एट डेज का जो कॉस्ट आता है ना रफली, वो मानो दिल्ली से दिल्ली 25-26,000 रुपीज का आता है एट डेज का, 24,000 के आसपास आएगा एट डेज का। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, टैक्स, टोल, पार्किंग, ड्राइवर, रहना, खाना पीना, सब बीच में होता है, सब कुछ बीच में है। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, एक्स्ट्रा जैसे मनाली से ऊपर सोलांग तक तो हम लेके जाते हैं। अब मान लो आप लोग अभी आ रहे हो, जैसे अभी फरवरी मार्च अप्रैल चल रहा है, रोहतांग पास तो बंद है, इसमें आप कहते हो कि भैया हमें अटल टनल दिखा दो, टनल के आगे हमें बर्फ देखनी है, तो बर्फ आपको कोकसर में मिलती है, तो आप कहोगे भैया या तो कोकसर ले जाओ या शिशु ले जाओ, बर्फ देखनी है तो कोकसर में मिल जाती है। तो हम लोग उसके 2,500 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं डिजायर जैसी गाड़ी का। तो कॉस्ट हो गया एट डेज का 24,000-25,000, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी, बट इतने में रेंज आती है 24,000-25,000 प्लस टनल शिशु और उधर जाओगे तो उसके आपके 2,500 एक्स्ट्रा। और अगर बड़ी गाड़ी लेनी है, एरटिका हो गई, तो एरटिका के हम लोग एट डेज के रफली 34,000 के आसपास चार्ज करेंगे एट डेज का, और मनाली से ऊपर टनल और शिशु ये सब जाना है उसका 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, एट डेज का बता रहा हूँ मैं। और अगर आप इनोवा गाड़ी की बात करते हैं, टोयोटा इनोवा, क्रिस्टा नहीं, टोयोटा इनोवा, क्रिस्टा से पहले वाला मॉडल, वो मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है जो चल रही है, अगर आप टोयोटा इनोवा लेके जाते हो तो उसका जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आता है सपोज एट डेज का है, तो वो 40,000 के आसपास आएगा, 40-41,000 के आसपास कॉस्ट, प्लस टनल शिशु उधर जाना है तो उसके 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। क्रिस्टा की बात करते हो, एट डेज का प्रोग्राम है, तो क्रिस्टा का आएगा रफली मानो 45,000-46,000 रुपीज टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, और ऊपर जाने के लिए 3,500 रुपये एक्स्ट्रा। ये कॉस्ट है दिल्ली से दिल्ली का। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो चंडीगढ़ से चंडीगढ़, या अम्बाला से पिकअप किया, एंड में घूम फिर के अम्बाला ड्रॉप कर दिया, या चंडीगढ़ या अमृतसर, तो भी आपको यही रेट रहता है। इसमें प्लस माइनस 1,000-2,000 रुपये मतलब माइनस हो सकते हैं, वो आप कॉल करके बता दो तो आपको इजिली हो जाता है। मीन्स अगर दिल्ली से पिकअप नहीं है, अम्बाला से पिकअप है, या चंडीगढ़ से अमृतसर है, तो कॉस्ट थोड़ी सी कम, मतलब 2,500 रुपये कम करवा सकते, हो जाती है 2-3,000 रुपये कम, मतलब एक बार आप रेट ले लो तो उसमें आइडिया रह जाता है। तो ये होगी बात। अब देखो इसमें साइट सींग में क्या क्या, सब जगह का मैं साइट सींग बता देता हूँ, क्या क्या कवर कर सकते हो ऑन द वे, क्या क्या कवर कर सकते हो साइट सींग में। सबसे पहली बात शिमला में आएगा कुफरी, माल रोड, जाकू टेम्पल, और अगर आपके पास शिमला में दो या तीन दिन है तो आप नारकंडा भी कवर कर सकते हो या चैल कवर कर सकते हो, अगर दो या तीन दिन से ज्यादा स्टे है आपके पास तो, नहीं तो बेसिक साइट सींग में आगे कुफरी, माल रोड, जाकू टेम्पल। अब देखो माल रोड पे गाड़ियां नहीं जाती, गाड़ियां हाईकोर्ट की पार्किंग तक जाती हैं, ऊपर माल रोड आपको पैदल जाना पड़ता है। माल रोड में आपको रिज जिसको बोलते हुए माल रोड में मिलेगा, चर्च भी माल रोड में मिलेगा, लक्कड़ बाजार भी माल रोड में मिल जाएगा, सब कुछ माल रोड पे आ जाता है। जाकू टेम्पल में गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती, नीचे रोड तक छोड़ती है, ऊपर पैदल जाना पड़ता है, या फिर लोकल वहीं की टैक्सी लेके, क्योंकि ऊपर बहुत चढ़ाई है तो वहीं की लोकल टैक्सी वाले इजी रहते हैं जाने के लिए। उसके बाद जब हम शिमला से उधर जा रहे हो मनाली, तो ऑन द वे आएगी सुंदरनगर लेक, मंडी का पंडोर डैम, ये आप लोग उधर के खड़े होकर फोटो खींच के देख सकते हो, इजिली आपका हो जाता है। कसौल मणिकरण कवर करना है तो आप उसी दिन कसौल मणिकरण कर लो, अगर शिमला से जल्दी निकले हो तो कसौल मणिकरण कवर हो जाएगा, अगर लेट निकलते हो तो कोई इशू नहीं है, कसौल मणिकरण बाद में कर सकते हो। तो जब हम मनाली से शिमला जा रहे हैं तो सुंदरनगर लेक, पंडोर डैम, कुल्लू होते हुए मनाली पहुंचते हैं। कुल्लू में अगर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करनी, अगर आपका टाइम बचा है, दुनिया भर के राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग वाले वहां बैठे हैं अपनी शॉप्स खोल के, डायरेक्ट आप उनसे बात कर लो, उनका फोटो खींच लो, दुकान का फोन कर लो, बार्गेनिंग कर लो, रेट लेके आप डायरेक्ट कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग आपकी वही मैंने बताया 1500 से स्टार्ट हो जाती है, मीन जैसे होता है ना कि 20 मिनट की पैराग्लाइडिंग, ऊपर आपको पहाड़ी में ले जाएंगे, अच्छी अच्छी हाइट होगी, वहां से पैराग्लाइडिंग करेंगे, मतलब आपको मजा आ जाएगा, 1500 में आपको मजा आ जाएगा। और राफ्टिंग भी 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है पर पर्सन की, वो डिपेंड करता है कि 1 किलोमीटर की या 2 किलोमीटर की, मतलब ये इजी इसमें आपका संतुष्टि हो जाती है। ड्राइवर के थ्रू जाते हो तो थोड़ा ड्राइवर का रेट कमीशन होती है तो रेट हाई हो जाता है, बट एनीवेज आप मनाली में वैष्णो देवी टेम्पल भी आता है मेन रोड पे, वो आप देख के डायरेक्ट मनाली पहुंच सकते हो। मनाली में साइट सींग में आता है जैसे बेसिक साइट सींग जो सब टूरिस्ट करते हैं 100%, वो है हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, जोगनी वाटरफॉल जाना है तो वशिष्ठ की पार्किंग तक गाड़ी जाती है, वशिष्ठ से ऊपर ट्रैकिंग करके जोगनी वाटरफॉल आप कवर कर सकते हो, प्लस 100 वाली।
बेसिक साइट सींग है। एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद सोलांग से ऊपर टनल जा सकते हो, टनल से ऊपर आप शिशु या कोक्सर जा सकते हो। कोक्सर में बर्फ आपको मई एंड जून फर्स्ट वीक तक कोक्सर में बर्फ मिल जाती है। जैसे कोक्सर की बर्फ पिघलेगी तो रोहतांग पास ओपन हो जाता है, फिर रोहतांग पास में गाड़ियां जाती है बर्फ देखने के लिए। तो रोहतांग पास में आपको जून जुलाई तक खूब बर्फ मिलती है, और शिशु में बर्फ नहीं मिलती। शिशु में सब एक नॉर्मल स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट बना दिया शिशु, वहां पर आप कर सकते हो। अब रही एडवेंचर एक्टिविटीज की बात, पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग कुल्लू में हो गई, जिप लाइनिंग एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, वो चेन मतलब रस्सी से ऐसे चेन वगैरह आप देख सकते हो, जाते हैं बहुत एडवेंचर है वो। जिप लाइनिंग होती है मनाली से 2-3 किलोमीटर ऊपर जाते हो, नहर कुंड या उस रोड के आसपास होती है, मतलब लोग साइड में बैठे आपको दिख जाएंगे कि जिप लाइनिंग वाले हैं। पर पर्सन 200-250 रुपए लेते हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाने का, फिर वापस भी लेके आएंगे 200-250 रुपए पर पर्सन, ये जिप लाइनिंग का रेट है, यही रेट है स्टैंडर्ड रेट वहां पे। और उसके बाद मतलब 200-300 रुपए आराम से मिल जाता है। उसके बाद आप जब सोलांग पहुंचते हो, सोलांग में केबल कार चलती है जो एक पहाड़ी से वो ऊपर लेके जाती है, केबल कार का भी आप मजा ले सकते हो। सोलांग में भी पैराग्लाइडिंग होती है, वो आप वहाँ पता कर सकते हो, थोड़ी कॉस्टली। आई थिंक सोलांग में 1500 तो नहीं, आई थिंक 2 या 2500 की स्टार्ट होती है सोलांग में, और एक दो एडवेंचर एक्टिविटीज और होती है सोलांग में। और जहाँ बर्फ गिरी जैसे कोक्सर हो गया या शिशु जाओगे तो वहाँ पे स्नो स्कूटर होते हैं वहाँ पे चलाने वाले, वहाँ चला सकते हो। आइस स्केटिंग भी आपको कोक्सर में हो जाएगी, मिल जाएगी। और बर्फ में चलने के लिए वो शूज मिलते हैं स्पेशल शूज, जहां पे भी बर्फ होगी ना वहां पे लोग दुकान खोल के बैठे होते हैं, तो आप शूज लेके बर्फ में चलने के लिए आप ले सकते हो। 100-200 रुपए का पेयर आता है तो आपका वहीं पे जूते मिल जाते हैं, और ड्रेस भी वहीं मिल जाती है, ड्रेस भी आपको 200-300 रुपए में ड्रेस मिल जाती है। ड्रेस पहन के भी आप हिमाचल की लोकल ड्रेस होती है, बर्फ में लोग फोटो खिंचवाते हैं, आप आराम से कर सकते हो। पीक सीजन में भी यही रेट रहता है, ऑफ सीजन में यही रेट है, पीक में यही रेट रहता है। मनाली हो गया, उसके बाद अगर आपने कसौल मनकर नहीं किया तो मनाली करने के बाद आप फिर कसौल मनकर नीचे आ जाओगे। कसौल में तो वही पार्वती रिवर वैली है, टेंट्स में अकोमोडेशन लेते हैं लोग, व्यूज देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है कसौल। मनिकरण में गुरुद्वारा है जहाँ गर्म पानी सब निकलता है, तो लोग गर्म पानी का देखने के लिए वो गुरुद्वारा भी विजिट करते हैं। उसके बाद अगर किसी को मनिकरण से अगर आगे जाना है, जैसे तोश खीरंगा नाम के ट्रैक्स हैं अच्छे, मतलब वहाँ पे होम स्टेज ये सब है, लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो उनको जाना तो मनिकरण से 18 किलोमीटर आगे बरसैनी तक गाड़ी लेके जाएगी, बरसैनी में गाड़ी छोड़ देती है। वहां से किसी को तोश जाना है तो अब तोश इजिली वहां से ट्रैक करके या लोकल टैक्सी में मिल जाती है, 200 रुपए लेके आपको तोश छोड़ देगा। ये हो गई आपकी बरसैनी उसकी बात। अब मनिकरण से हम आ जाते हैं आप टूवर्ड्स धर्मशाला साइड। मान लो अगला पड़ाव आपका धर्मशाला मैक्लोडगंज का है, मेन साइट सींग जो स्टे होता है वो मैक्लोडगंज में लोग करते हैं। मैक्लोडगंज में बहुत अच्छा पहाड़ी ठंडा मौसम, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। मैक्लोडगंज दलाई लामा की वजह से मैक्लोडगंज बहुत फेमस है, वहाँ पे तिब्बतियन कल्चर आपको मिलता है। तो दलाई लामा आपको वहाँ पे टेम्पल मिलेगा। हाँ, साइट सींग क्या क्या है, एक आएगा चर्च। जब हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाएंगे तो चर्च पहले ही आ जाता है, अच्छा चर्च है, बहुत पुराना सेंट जोन करके चर्च है उसका। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे हमने बहुत विजिट किया है। बेसिकली मैं धर्मशाला का ही रहने वाला हूँ और धर्मशाला मैंने बहुत घूमा है, बहुत देखा है, मतलब हम हिमाचल से हैं मैं बता दूं, और धर्मशाला बहुत मतलब फिंगर टिप्स पे है हर चीज़। और उसके बाद सेंट जॉन चर्च हो गया मैक्लोडगंज का, देन दलाई लामा टेम्पल हो गया, वहाँ का मार्केट माल रोड जिसको बोल सकते हो वो विजिट कर सकते हो। बापसुनाग टेम्पल, बापसुनाग वाटरफॉल ये हो गया, और एक धर्मकोट वहाँ पे विपासना सेंटर है, वो आप लोगों को देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। मेडिटेशन के लिए बहुत फेमस है विपासना सेंटर, और अच्छा जहाँ पे हमारा एक बार स्कूल से विजिट हुआ था, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस, यू कैन गो देयर विपासना सेंटर। और पाइन ट्रीज ये सब है, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये हो गया मैक्लोडगंज का साइट सींग, प्लस वहाँ पे एक डल लेक नाम की जगह है, नड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग, मैक्लोडगंज से 5 किलोमीटर साइड में आप वो नड्डी विजिट कर सकते हो। और वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है जो पहाड़ों के बीच में बना है, इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे पूरे फॉरनर्स के बच्चे और इंडिया के दूर दूर से बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे पढ़ते हैं, एक इंटरनेशनल स्कूल है डल लेक के पास नड्डी, वो भी आप विजिट कर सकते हो। बाहर से देख सकते हो, आई थिंक स्कूल के अंदर तो जान देते हो, बट बाहर से आप देख सकते हो, मतलब पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ, मतलब अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। जब ये मैक्लोडगंज पार्ट हो गया, उसके बाद वहाँ पे जब आप जो सपोज आप डलहौजी जा रहे हो, तो डलहौजी जाने के लिए हम लोग धर्मशाला आते हैं। धर्मशाला एक टाउन है, रेजिडेंशियल एरिया धर्मशाला, बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है। धर्मशाला से भी मैक्लोडगंज केबल कार चलती है, धर्मशाला बस स्टैंड से चलती है, आई थिंक 500 रुपीज लेते हैं। तो अगर आपको केबल कार का मजा लेना है तो मैक्लोडगंज से धर्मशाला, धर्मशाला मैक्लोडगंज केबल कार के थ्रू भी पूरी आप टाउन को देख सकते हो। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वो आप विजिट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट होता है, या 10-20 रुपए का टिकट लगता है, देख सकते हो। वहाँ पे वार मेमोरियल है क्रिकेट के साथ ही, वार मेमोरियल टी गार्डन है, वो भी देख सकते हो। तो ये धर्मशाला का साइट सीइंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग सीधे जाते हैं डलहौजी। डलहौजी वहाँ से धर्मशाला से वही 140-150 किलोमीटर है। डलहौजी में खजियार है मेन, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड लोग बोलते हैं, वो तब दिखता है मिनी स्विट्जरलैंड जब बर्फ गिरती है वहाँ पूरे ग्राउंड में, तो वो विंटर में मिनी स्विट्जरलैंड बन जाता है। तो खजियार मेन है, उसको देखते हैं। बस वहाँ वाटरफॉल है, एक काला टॉप नाम की जगह है जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देकर आप काला टॉप भी जा सकते हो, नहीं तो काला टॉप का जो गेट है वहां तक हम गाड़ियां भेज देते हैं। डलहौजी के केस में, डलहौजी के लिए वो 2 दिन काफी होते हैं।
उसके बाद आप डलहौजी से चले गए, अगर अमृतसर इंटरेस्टेड हो तो डलहौजी से 250 किलोमीटर अमृतसर है। अमृतसर में लोग बाघा बॉर्डर देखते हैं जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे परेड होती है। परेड होती है शाम को 4-5 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उस टाइम तक पहुँचना होता है बाघा बॉर्डर की परेड देखने के लिए। प्लस वहाँ गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, ये तीन चीज़ें फेमस है। उसके बाद लास्ट में गाड़ी अमृतसर से दिल्ली आ गई चंडीगढ़ वाला, जहाँ आप आ सकते हो। तो मैंने आपको साइट सीइंग का बता दिया कि क्या क्या साइट सीइंग इसमें आप इंक्लूड है, क्या क्या आप लोग देख सकते हो। ये साइट सीइंग के मीन्स लोकेशन जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो आपको आई थिंक इतना डीप में कोई बताएगा नहीं, बट मैंने आपको क्लियर बता दिया कितना आप कर सकते हो। आपको गाड़ी कॉस्ट बता दी, होटल बता दिए, साइट सीइंग बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सब पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यही था, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की थी आज आपको समझ में आ गई होगी, और आप लोग आपकी टैक्सी बुक कर सकते हो हमारे से। और मैंने आपको सारा बता दिया कि कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूट फॉलो करना है, कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हो, और कितना मींस कितने दिन का प्लान आप प्लान कर सकते हो। 8 डेज 9 डेज 10 डेज का प्लान आराम से कर सकते हो, और इजिली आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, टैक्सी सर्विस आपको मिल जाती है। और मैंने आपको पूरा रूट बता दिया, साइट सीइंग क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो, और इजिली हो जाता है, 8 to 9 डेज में आप ये कवर कर सकते हो। कभी भी आपको लगता है गाड़ी की कॉस्ट लेनी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे दिए नंबर पर आप संपर्क करो, कॉल करो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका कुछ अपना कुछ प्लान है कि आपको लगता है कि यार मुझे ये दो चीज़ें कवर करनी है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो भी हमको बता सकते हो। सब कुछ इजिली हो जाता है, कोई इशू इसमें आता नहीं है। और देखो टाइम भी बता दो, टाइम कितना कितना लगता है। काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि भैया यहाँ से वहाँ पहुँचने कितना टाइम है। सपोज कर लो दिल्ली से स्टार्ट करते हो, दिल्ली से आप पहले सोचते हो कि शिमला जाना है, तो दिल्ली से शिमला पहुँचने में 8 घंटे मिनिमम लग जाते हैं। बीच में डिपेंड करता है कि आप कितनी बार स्टॉपेज ले रहे हो, जैसे होता है ना कभी चाय पी रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फोटो खींचना है, तो नॉर्मली 8 से 9 घंटे आपको लग जाते हैं दिल्ली से शिमला पहुँचने में। शिमला से जब मनाली जाते हो तो शिमला से मनाली भी रफली आप मानो, दिल्ली से शिमला बता दूं रफली 380-390 किलोमीटर है, जिसमें से 8 से 9 घंटे लगते हैं विद स्टॉपेज। अब आप लोग सपोज कर लो शिमला से मनाली जा रहे हो, शिमला से मनाली रफली 250 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में 7 से 8 घंटे इजली लग जाते हैं। मनाली से धर्मशाला जाना है तो उसमें भी आपके 7 घंटे लग जाते हैं विद स्टॉपेज, मिनिमम बता रहा हूँ 7 घंटे। उसके बाद मनाली से डलहौजी जाना है तो 5 घंटे लग जाते हैं विद स्टॉपेजेस। मनाली से अमृतसर जाना है तो फिर से आपके 6 से 7 घंटे लग जाते हैं मिनिमम, 6 घंटे मिनिमम लेके चलो आप विद स्टॉपेजेस। अमृतसर से दिल्ली आते हो तो रफली 10 घंटे लगते हैं विद स्टॉपेजेस। स्टॉपेजेस का मतलब है कि चाय पीनी, ब्रेकफास्ट करना है, ये सब करने के लिए, और इतना ही ट्रैवल लेते हैं। और बस यही सब है, बाकी आप लोग प्लान कर सकते हो। और देखो इस केस में हम लोग कहते हैं, कभी आप लोग प्लान कर रहे हो ना कि आपका 8 या 9 डेज का प्लान है, तो आप एडवांस में प्लानिंग करके चलो, एडवांस में बुकिंग करो, ताकि हम लोग अपनी तरफ से ड्राइवर गाड़ी अच्छी दे सकते हैं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि ड्राइवर 8-9 दिन तक टूर कर सकता नहीं कर सकता, ड्राइवर को कोई छुट्टी चाहिए क्या चाहिए, तो डिपेंड करता है। इसलिए पहले से बुक करो, अच्छी गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। और यही सब है, और बाकी नंबर्स आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी आप हमें सपोर्ट करो, अच्छी सर्विस देने का हम आपको पूरा वो करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छी सर्विस दें, अच्छी गाड़ियां दें, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको गाड़ी बुक करनी है तो बुकिंग एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ, हर वीडियोज में दिया इसमें बता देता हूँ। बुकिंग एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या है कि आप लोग अपना एक प्लान आप हमें भेज दो। अगर प्लान नहीं पता है आपको, बस ये पता है कि 8 डेज करना, आप हमको भेज दो, हम आपको एक रफ एक प्लान बना के दे देते हैं कि आपका प्लान है। फाइनल बुकिंग के लिए जब आपको लगता है कि आप रिटर्न है, हमारे साथ रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट आता है कि उसमें सब लिखा होता है, टर्म्स कंडीशन और क्या क्या इंक्लूड है, कहाँ कहाँ जा सकते हो, सारा प्लान लिखा होता है। फाइनल बुकिंग एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए, दिल्ली या चंडीगढ़ वाला जहाँ से पिकअप एड्रेस चाहिए, और उसके करने के बाद मिनिमम एडवांस पेमेंट करनी होती है। बुकिंग के लिए एडवांस डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी कितना है, पर मिनिमम अगर आपका 8-9 दिन का प्रोग्राम है तो मिनिमम 5,000 रुपीज एडवांस पेमेंट आपको करनी होती है कैब बुक करने के लिए। उसमें क्या हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि कस्टमर ने पेमेंट किया, डेफिनेट कस्टमर जा रहे हैं और बुकिंग उनकी हो गई है। बैलेंस पेमेंट का शेड्यूल मिलता है, तो ऑनलाइन आप बैलेंस पेमेंट धीरे धीरे करके आप पूरा कर सकते हो। और बस यही सब है, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा रनिंग ब्लॉग था, पसंद आया होगा तो प्लीज कॉन्टैक्ट करिए, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमें गाड़ी बुक करने का मौका दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज विवेक एंड यू आर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्ट्स। थैंक्स।